तो आज दिन है जी संडे का, और संडे का मतलब है भटूरे छोले का डे। तो ये दिल्ली में ना भटूरे छोले की दीवानगी बहुत ज्यादा है, और उसी दीवानगी को दिखाने के लिए आज मैं एक लिस्ट शेयर कर रहा हूँ जो है पॉपुलर भटूरे छोले जॉइंट्स की वेस्ट दिल्ली की। तो शुरुआत करते हैं जी सीएल कॉर्नर से। सीएल मतलब चुन्नी लाल जी, जो कि फाउंडर थे इस जगह के। जगह पड़ती है जी मोती नगर में, मोती नगर मेट्रो स्टेशन के पास और फन सिनेमा के पास। भटूरे छोले बहुत ही लाजवाब हैं, और स्टफिंग होती है जी इसके अंदर पनीर की। बट यहाँ की एक खास बात है, जो छोले हैं ना ये धीमी धीमी आंच पे कोयले में बनाए जाते हैं, प्लस साथ में बनाए जाते हैं जी कॉपर के यूटेंसिल्स में। ये कॉपर के यूटेंसिल्स में बनने की वजह से इनका स्वाद और निखर के आ जाता है। प्लस साथ में आप यहाँ के पालक चावल भी जरूर ट्राई करिएगा। मीठी लस्सी साथ में एकदम लाजवाब, आप देख ही रहे होंगे मीठी लस्सी कितनी गाढ़ी है। और शायद तभी ये फेवरेट लिस्ट में आती है हमारे पॉप सिंगर यो यो हनी सिंह जी की। जगह दोबारा बता देता हूँ, पड़ती है जी मोती नगर मेट्रो स्टेशन के पास, और प्राइस है 80 रुपए की प्लेट, भटूरे एकदम लाजवाब। और अब चलते हैं जी मोती नगर से टूवर्ड्स रजौरी गार्डन। रजौरी गार्डन मेट्रो के पास पड़ती है जी प्रेम दी हट्टी, सबसे पुरानी दुकान है रजौरी गार्डन में भटूरे छोले के लिए। हालांकि यहाँ पर आपको और दो चार शॉप दिख जाएंगी जो प्रेम दी हट्टी के नाम से है, बट आपको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी ओरिजिनल प्रेम दी हट्टी या सबसे पुरानी प्रेम दी हट्टी की दुकान ढूंढने के लिए। और इसका प्राइस है जी 80 रुपए। रजौरी गार्डन से लेके अब चलते हैं आपको जेल रोड, तिलक नगर मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा आगे जेल रोड पे आएगा रामा छोले भटूरे वाला। विराट कोहली जी की एक स्टेटमेंट की वजह से इस जॉइंट को बहुत ज़्यादा माइलेज मिला, बट अभी भी किसी को इतना श्योर नहीं है कि ये वही विराट कोहली जी वाले भटूरे छोले हैं कि नहीं, क्योंकि ऑनर ने आज तक कभी भी ये कन्फर्मेशन नहीं दी कि ये वही जॉइंट है जहाँ से विराट कोहली जी भटूरे छोले मंगवाते हैं। बट ऑल इन ऑल बहुत पॉपुलर है जेल रोड पर और टेस्ट भी लाजवाब है। प्राइस आएगी लगभग 80 रुपए, और साथ में इनकी मसाला छाछ भी बहुत फेमस है। उसी जेल रोड पर थोड़ा आगे चल के आपको मिलेगा ग्रोवर मिठाई वाला। जी हाँ, सैंडोज वाली रेड लाइट कह लीजिए या चौक कह लीजिए, जेल रोड के बीचों बीच पनीर की स्टफिंग वाले होते हैं जी ये भटूरे छोले, और आपको मिलते हैं लगभग 80 रुपए की प्लेट। ग्रोवर मिठाई वाला अपनी मिठाइयों के लिए भी फेमस है, बट मुझे कहीं ना कहीं इनके भटूरे छोले बहुत अच्छे लगते हैं जेल रोड पर। और मेरा ये भी मानना है कि पैकिंग से ज़्यादा गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही अलग है, आप मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगे। साथ में लीजिए आप इनकी ग्रोवर स्वीट्स की मीठी लस्सी, जो वाकई में एकदम लाजवाब है भटूरे छोले के साथ ट्राई करने के लिए। प्राइस दोबारा से बता देता हूँ, 80 रुपए की है ये भटूरे छोले की प्लेट ग्रोवर मिठाई वाला की। और अब लेके चलते हैं जी आपको अपने फाइनल जॉइंट पे, जो कि है मोनिका कैफे विकासपुरी में। काफ़ी बार इनके नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स सुनने को मिलते रहते हैं, बट विकासपुरी में ये अपने आप में एक पॉपुलर जॉइंट है। पनीर की स्टफिंग वाले भटूरे छोले एकदम नरम, और कहकर आप इनको करारा भी बनवा सकते हैं। और लोकेशन पड़ती है जी पीवीआर सिनेमा वाली रोड पर ही, आप किसे भी पहुंचेंगे शंकर चौक से हल्का सा आगे पड़ता है मोनिका कैफे। तो प्राइस इनका भी पड़ता है जी 80 रुपए। तो ये थी हमारी एक पॉपुलर जॉइंट्स की लिस्ट, जो कि वेस्ट दिल्ली में काफी फेमस हैं अपने भटूरे छोलों के लिए। तो ये थी जी वेस्ट दिल्ली की पॉपुलर जॉइंट्स की लिस्ट। अब एक लिस्ट आपसे और शेयर कर रहा हूँ जो बहुत कम एक्सप्लोर हुई है, और हो सकता है उनमें से कुछ जॉइंट्स आपने अभी तक ट्राई ना किए हों। चलिए लेके चलते हैं आपको अब दूसरे सफर पे, अनएक्सप्लोर्ड जॉइंट्स दिखाते हैं आपको जो अभी तक शायद आपने ना देखे हों। तो शुरुआत करते हैं जी चंदर दी हट्टी से, जो कि पड़ता है विकासपुरी में पीवीआर सिनेमा वाली रोड पे। इनके ये पिंडी स्टाइल छोले जिसमें कोई ऑयल नहीं है, जिसमें कोई प्याज और लहसुन नहीं है। अगर आपने नंदी हट्टी का नाम सुना हो सदर बाजार, तो ये उनके पोते साहब हैं। बाकी अगर घी की बात करें तो ये देसी घी यूज़ नहीं करते। गोल वाले पनीर स्टफिंग के भटूरे और अवल वाले बिना पनीर के, दो वैरायटी के भटूरे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वैसे तो ये छोले बिना लहसुन और प्याज के बनाते हैं, बट अगर आपको प्लेट में अलग से प्याज चाहिए हो तो ये कहने पर आपको सर्व कर देंगे। बाकी प्राइस की बात करें तो पनीर वाले हैं जी 80 रुपए के, और बिना पनीर के 70 रुपए। अब खिलाते हैं जी आपको आशुदेश स्पेशल तवे वाले भटूरे। जी हाँ, सुभाष नगर में पड़ती है ये दुकान, और सर्व करती है मुल्तानी स्टाइल तवे वाले भटूरे, एकदम हल्के भटूरे, और साथ में सर्व होते हैं जी छोले, और साथ में मिलता है जी आपको ये गाजर कचालू और मिर्ची का अचार। और एक खास बात, हर प्लेट के साथ आपको मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री चने का सूप। इनके छोलों की बात करूं तो ये है जी बिना ऑयल के, बिना लहसुन के, बिना प्याज के, सिर्फ पानी में बनाए गए हैं, बट स्वाद भरपूर है।
और मसाले वाले कुलचे आलू और पनीर दो वेरिएंट में आपको यहाँ मिल जाते हैं। बाकी मुल्तानी भटूरों की बात करूँ तो आपको मुल्तानी भटूरे दिल्ली में कम ही देखने को मिलेंगे। उनमें से एक ये शॉप है वेस्ट दिल्ली में जो कि पड़ती है सुभाष नगर चौक पे, आशुदेव भटूरे। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 50 रुपए की पड़ती है आपको ये प्लेट, जिस प्लेट में आपको हर प्लेट के साथ मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री चने का सूप। अब चलिए यहाँ से आपको लेके चलते हैं जी रजौरी गार्डन, वो भटूरे छोले खिलाने जो वेस्ट दिल्ली के सबसे सस्ते भटूरे छोले हैं। जी हाँ, 40 रुपए की है सिर्फ प्लेट और रजौरी गार्डन लोकल्स वालों के तो ये फेवरेट है। और क्योंकि रजौरी गार्डन की मार्केट भी साथ में ही है तो 7 दिन मिलते हैं आपको ये भटूरे छोले। और दूसरी खास बात, ये दिन में 6 बजे शॉप खुल जाती है। अगर कभी अर्ली मॉर्निंग भटूरे छोले का खाने का मन करे तो पहुंच जाइए अर्जुन छोले भटूरे वाले के पास जो कि पड़ता है रिलैक्सो शोरूम के ठीक सामने। दाम एक बार दोबारा बता देता हूँ, 40 रुपए, और ये पड़ता है अंजलिका बेकरी वाली साइड पे, ना कि मेट्रो स्टेशन वाली साइड पे। लीजिए भटूरे छोले की प्लेट हमारी तैयार है। अब रजौरी गार्डन से आपको लेके चलते हैं जी करमपुरा। जी हाँ, करमपुरा मोती नगर राजेंद्रा रिफ्रेशमेंट कॉर्नर मिलन। नाम तो आपने सुना ही होगा, मिलन सिनेमा के ठीक सामने पड़ती है ये शॉप। और यहाँ पे मिलते हैं आपको अगेन पिंडी स्टाइल छोले जो एकदम काले होते हैं और स्वाद में होते हैं जी एकदम लाजवाब। और ये प्लेट पड़ती है जी आपको 100 रुपए की। जी हाँ, 100 रुपए की प्लेट है भटूरे छोले की। लोकेशन दोबारा से आपको समझा देता हूँ, मोती नगर के पास ही पड़ता है करमपुरा, वहाँ पे मिलन सिनेमा के ठीक सामने पड़ती है ये दुकान। सुबह 8:30 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक आपको ये भटूरे छोले यहाँ पे मिल जाते हैं। चलिए जी, अब रुक करते हैं अपने नेक्स्ट भटूरे छोले के जॉइंट पे। जी हाँ, चलते हैं शादीपुर पटेल नगर। शादीपुर डिपो के ठीक सामने पड़ता है आउजी स्वीट या रमेश नमकीन भंडार। यहाँ की एक खास बात है, यहाँ एक नहीं दो तरह के छोले बनाए जाते हैं। जी हाँ, चना बिना लहसुन प्याज का भी बनता है और विद लहसुन और प्याज भी बनता है। आप दोनों ही वेरियंट 365 डेज यहाँ पर ले सकते हैं। जी पनीर की पिट्ठी वाले हैं इनके भटूरे, बट उससे भी खास बात है यहाँ की ये नीटनेस। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें जहाँ पर भी बन रहे हैं वहाँ सफाई का बहुत खास कर ख्याल रखा गया है। एकदम करारे भटूरे बनते हैं इनके, अवल शेप के हैं ये भटूरे और प्रॉपर करारे क्रिस्प बनाए जाते हैं आपके लिए। दुकान लगभग 44 साल पुरानी है और सुबह 8:30 बजे से लेके शाम को 4 या 5 बजे तक आपको यहाँ भटूरे मिलते हैं। इसी वीडियो के माध्यम से आपका एक भ्रम दूर करना चाह रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा कढ़ाई कितनी काली है। अक्सर जब आपको लगता है वो कढ़ाई के अंदर जो तेल है बहुत काला है, बट तेल देखिए एकदम साफ, क्योंकि कढ़ाई का तलवा काला होता है लोहे की होने की वजह से। बाकी ये भटूरे छोले की प्लेट आप एंजॉय कर सकते हैं 110 रुपए में। लोकेशन आपको दोबारा से समझा देता हूँ, ये पड़ती है जी शादीपुर डिपो पटेल नगर के पास, ठीक उसके अपोजिट। तो आज है जी शनिवार और कल है इतवार, तो इतवार है तो भटूरे छोले खाने तो बनते हैं। आई होप कल आपको जाकर इन भटूरे छोले को खाने का मौका जरूर मिलेगा, मुझे रिव्यू जरूर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो आपने ये लिस्ट देखी है ना, ये बहुत कम एक्सप्लोर की होगी। ये वो भटूरे छोले जॉइंट है जो आपने वीडियोज में कम देखे होंगे, बट मेरी तरफ से इन आउटलेट्स को पूरी पूरी रिकमेंडेशन है। आप भी मुझे बताइएगा अगर इस लिस्ट में से मैंने कोई जॉइंट मिस कर दिया है, ताकि मैं उसको नेक्स्ट अपनी एक्सप्लोरेशन में विजिट करके कवर कर सकूं। तो मैं अब लेता हूं आपसे इजाज़त। आई होप आपको ये लिस्ट पसंद आई हो। वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, क्योंकि मुझे लगता है जो लोकल्स हैं ना उन्हें बेहतर अड्डे पता होते हैं खाने पीने के। मैं अब आपसे लेता हूं इजाज़त, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी तरह से प्यार देते रहिए। आपका अपना प्रभजोत सिंह फूडकर्स से।